अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य कुलपति के कार्यालय के सामने एकत्रित हो गए और नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक नारेबाजी करने व प्रदर्शन करने के बाद छात्रों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने बताया कि जीवाजी विश्वविद्यालय में तमाम अनियमितताएं व्याप्त हैं और इन अनियमितताओं के चलते समस्या का सामना सिर्फ छात्रों को करना पड़ता है। यह आजकल की बात नहीं, विश्वविद्यालय में परंपरागत अनियमितता चलती आ रही है। इन्हीं अनियमितताओं से परेशान होकर एबीवीपी विरोध प्रदर्शन किया है। लंबे समय से जीवाजी विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं का कोई स्थायी निराकरण न मिल सकने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीवाजी विश्वविद्यालय के गालब सभागार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय स्तरीय छात्र नेताओं के साथ जिला स्तरीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य व पदाधिकारी भी शामिल हुए। यह प्रदर्शन जीवाजी यूनिवर्सिटी में स्थित गालब सभागार के सामने होगा। गौरतलब है कि गालब सभागार पर बीते कुछ दिनों से जयपुर आर्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस आर्ट समिट में देश विदेश से आए कई जाने माने कलाकार मौजूद हैं। ऐसे में इस प्रकार के प्रदर्शन से संभवतः जेयू की छवि खराब हो सकती है। छात्र नेता हिमांशु का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को लेकर मांग पत्र भी सौंपा गया। इसमें छात्रावास में पेयजल व्यवस्था की समस्या, रख रखाव की समस्या, विश्वविद्यालय स्तर पर मिलने वाली छात्रवृत्ति संबंधी कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई है। Yeah.